अपनी इमेज को कार्टून इफेक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। चलिए वीडियो में जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल TR बहादुरपुर। दोस्तों, एक कमेंट आया था कि किसी भी इमेज को कार्टून इफेक्ट में किस तरीके से तैयार करते हैं, उसका एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं वही वीडियो लेकर के कि आप अपने इमेज को कार्टून इफेक्ट में किस तरीके से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में बिना किसी सॉफ्टवेयर के, वेबसाइट की मदद से। तो वेबसाइट कौन सी है वो भी जानेंगे, और किस तरीके से काम करता है वो भी जानेंगे, और इसको करके आप चाहें तो अर्निंग भी कर सकते हैं। कितनी अर्निंग होगी, किस तरीके से करना है वो सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके का जो भी डिज़ाइन आप तैयार करेंगे, तो अगर आपको इसमें बेहतर काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, लाइफ टाइम के लिए करना है, तो आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काम चलाऊ करना चाहते हैं, यानी सिर्फ अपना या अपने दोस्तों के इमेज को कार्टून इफेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। चाहे आप मोबाइल यूज़ करते हो या फिर लैपटॉप या PC, आप दोनों से ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए कर लेंगे। वैसे तो जब मैंने इसे सर्च किया तो बहुत सारी मुझे वेबसाइट मिली, लेकिन सारी वेबसाइटें फास्ट नहीं थी, और जो बताने वाला हूँ ये भी कोई खास फास्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये बेहतर है बाकी के मुकाबले में, इसलिए मैं आपके साथ इसी वेबसाइट को शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो मैंने वेबसाइट ओपन की है इसका नाम है BeFunky.com, और यहाँ पे मैंने एक इमेज ले लिया है और इसी को हम कार्टून इफेक्ट में तैयार करेंगे। आप जब अपना इमेज इसमें अपलोड कर देंगे, यहाँ पे आपको डिजिटल आर्ट करके देखिए बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा। जो इफेक्ट आपको चाहिए सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना है। मैं अभी फ़िलहाल दूसरे वाले इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, वो इफेक्ट यही था, दूसरा वाला। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपके नेट पर डिपेंड करता है कि आपके नेट की स्पीड कितनी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में हमारा जो इमेज था वो कार्टून इफेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से इसमें और भी यहाँ पे इमेज हैं जिनको आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे सेव कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रहे कि यहाँ पे जब आप इसको सेव करने जाएंगे तो ये आपको अपग्रेड का ऑप्शन मांगेगा, या फिर हो सकता है कि लॉगिन करने का ऑप्शन मांगे, तो हमको इसमें ना तो लॉगिन करेंगे हम और ना ही इसको अपग्रेड करेंगे, यानी इनको पेमेंट देंगे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत काम के लिए ले रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले हम दूसरे वाले इफेक्ट को लगा लेते हैं जो अच्छा लग रहा था। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं, आप अपने तीनों उंगलियों को स्क्रीन पर खींच देंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और अगर आप लैपटॉप या PC में कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप विंडो शिफ्ट और S प्रेस करेंगे, विंडो शिफ्ट उसके बाद S, तीनों को क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा, और जितना आपको इमेज का फ़ोटो लेना है स्क्रीनशॉट, आप उतने को इस तरीके से इसके अंदर घेर लेंगे। आप देखेंगे हमने इतना घेर लिया, ये हमारा स्क्रीन कैप्चर हो चुका है, क्योंकि इधर का हमने नहीं लिया, यहाँ पे वाटर मार्क है तो वाटर मार्क हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फेस की ज़रूरत थी। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है कि जिसके बहुत छोटा इमेज है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा आप किसी भी एडिटिंग इमेज टूल के मदद से। उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप देख सकते हैं। जब बड़ा कर देंगे तो वाटरमार्क इसी कोने पर आएगा, तो आपका फेस बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, जिसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपना पेंट टूल ओपन करेंगे और उसमें कंट्रोल भी करेंगे, मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम सर्च में आते हैं और पेंट लिख करके हम सर्च करेंगे, क्योंकि इसका जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको अगर आप डायरेक्ट कोलड्रा या फोटोशॉप में पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। आप पेंट ओपन करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे Ctrl-V से। Ctrl-V से जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है, और फिर इसमें सेव पर क्लिक करेंगे, और जिस नाम से भी आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, उसके बाद जहाँ चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो होगी एक वेबसाइट जो कि एक क्लिक में बहुत ही बेहतरीन आपको कार्टून इफेक्ट बना के दे रही है। एक और वेबसाइट है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है image2cartoon.com। इस वेबसाइट पर भी आप अपने इमेज को कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड एंड इमेज पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको अपना इमेज सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे कि आप जो भी इमेज इसमें डाल रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, तो ज़्यादा बेहतर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका इमेज इस वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यानी नीचे आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको कार्टून इफेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से। जो आपको अच्छा लगे आप उसको चाहें तो डाउनलोड करके और जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने दोस्तों को उनका इमेज लेकर के इस तरीके से बना करके भी सेंड कर सकते हैं, वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं और किसी भी इमेज को कार्टून इफेक्ट में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पे अपना ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेहतरीन किसी वेबसाइट के बारे में पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कि इससे आप अर्निंग किस तरीके से करेंगे। तो Fiverr.com का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे लोग अपनी सर्विस सेल करके काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हैं, सर्विस यानी जो वो काम करते हैं। तो यहाँ हम क्या सीखे हैं, कार्टून बनाना, किसी भी इमेज का कार्टून बनाना। तो हम फाइबर में आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इमेज कार्टून लिख के हमने सर्च किया। आप देख सकते हैं लोग किसी भी इमेज को कार्टून में कन्वर्ट करने का कितना पैसा लेते हैं, 1677 रुपये, 1258, 839, 420, 420, 420, 1258, 1258। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी अपना सर्विस दे के और काम ले सकते हैं। जिसको अगर पसंद आएगा तो वो आपको काम देगा और आप उसके इमेज को बिल्कुल आसानी के साथ इन वेबसाइट की मदद से कन्वर्ट करके भेज देंगे और आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आपको बेहतरीन करना है, अच्छे तरीके से अर्निंग करना है, तो ये वेबसाइट आपके काम आने वाले नहीं है। आपको फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग वर्क दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, वो सारे फ़ोटोशॉप में अच्छे से या फिर एडोब इलस्ट्रेटर में अच्छे से वर्क करना जानते हैं। थोड़ा बहुत तो आप वेबसाइट की मदद से कर ही सकते हैं। अगर ट्राई करना चाहें तो अपने दोस्त को अपना फ़ोटो बना के सेंड करिए और बोलिए कि अगर तुमको भी चाहिए तो 5-10 रुपया लेके उसको भी दे देना। 2-4 लोग को दो, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अर्निंग हो रही है तो आप सीख के काम कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।